डियर स्टूडेंट्स, डॉक्टर राही बायोलॉजी क्लासेस के अंदर में का जो यूट्यूब जो चैनल है उसमें आज मैं एक और नया टॉपिक का वीडियो आपको देने जा रहा हूँ। वीडियो लेक्चर है हमारा, जिसका नाम है एक्चुअली मैंने इससे पहले जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या सॉरी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर में जितने भी टॉपिक्स हमें बताए हैं, चाहे वो फर्स्ट पार्ट हो सेकेंड पार्ट हो, फर्स्ट पार्ट में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था बायोटेक्नोलॉजी का, सेकेंड पार्ट में रेस्ट्रक्शन एंजाइम के बारे में बताया था, थर्ड पार्ट में मैंने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बताया, फोर्थ पार्ट के अंदर में मैंने जो है क्लोनिंग वेक्टर बताया, और PBR 322 के लिए हमने अलग से वीडियो डाला। एक्चुअली अब उसी का सीक्वेंस है, उसी का कंसीक्वेंस है जो अभी आज हम बढ़ेंगे, और वो है एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, मतलब पूरा का पूरा प्रोसेस एक समराइज कर देंगे। मेनली ये जो टॉपिक हम मैंने वीडियो जो बनाया है और ये वीडियो जो मैं जो अपलोड करने जा रहा हूँ, ये वीडियो एक्चुअली पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के ऊपर है। PCR कैसे बनाते हैं, क्योंकि कोई भी हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट अगर है, अगर आपने निकाला, निकालने के बाद वो जीन ऑफ इंटरेस्ट सिंगल वो एक कॉपी होगा, सिंगल कॉपी होगा। अब सिंगल कॉपी को हमें मल्टीपल कॉपीज़ में कन्वर्ट करना होगा, बहुत सारे कॉपीज़ हमें बनाने होंगे, तो बहुत सारे कॉपीज़ बनाने के लिए मिलियंस ऑफ द कॉपीज़ बनाएंगे अगर हम जीन ऑफ इंटरेस्ट का, उस मिलियंस ऑफ द कॉपीज़ के अंदर में मिलियंस ऑफ द कॉपीज़ को अगर हम मिलियंस ऑफ द वेक्टर में डालेंगे और उतने सारे वेक्टर को हम उतने सारे होस्ट में डालेंगे, तो हमारे प्रोडक्ट अपने आप मल्टीप्लाई करता चला जाएगा और मैक्सिमम प्रोडक्ट निकाल पाएंगे, बना पाएंगे एक शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के बारे में। तो ये जो हमने PCR, उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए हमें PCR कराना पड़ता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को कराना पड़ता है। लेकिन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से पहले मैं आपको एक बार ब्रीफ करता चलूँ और ब्रीफ देता जाऊँ इस पूरे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के प्रोसेस के ऊपर में। तो इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर में अगर आप पढ़ेंगे किताब को, तो किताब में आपको मिलेगा कि कौन कौन से प्रोसेसेस हैं, तो उसमें अलग अलग प्रोसेसेस हैं, जैसे कि सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ डीएनए, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल का मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हैं, जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट कर रहे हैं, और जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट जिस ऑर्गेनिज्म से करेंगे उस तरह का एंजाइम आप इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि एनिमल सेल से अगर आप जैसे कि अगर मान लिया एनिमल सेल से करना हो, तो आराम से उसका सेल मेम्ब्रेन तोड़ कर रप्चर करके न्यूक्लियस हटा के अपना जेनेटिक मटेरियल हम ले सकेंगे। अगर हमें प्लांट सेल से निकालना हो, तो सबसे पहले हमें उसका सेल वॉल हटाना पड़ेगा। सेल वॉल हटाने के लिए एक एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे सेलुलेज, उसकी मदद से आप सेल वॉल हटा देंगे उसका, फिर उसके बाद आराम से उसका जेनेटिक मटेरियल बाहर निकाल लेंगे, मतलब न्यूक्लियर जो कंटेंट है वो बाहर निकाल लेंगे। अगर फंगल सेल है, तो उसके लिए आप एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे काइटिनेज एंजाइम का जो इस्तेमाल करेंगे, तो काइटिन एक्चुअली फंगस का जो सेल वॉल है वो काइटिन का बना होता है, तो काइटिनेज एंजाइम की मदद से फंगल सेल वॉल को आप तोड़ेंगे और उसके अंदर से क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल को आप निकाल लेंगे। इसी तरह से अगर कोई बैक्टीरियल सेल है, तो बैक्टीरियल सेल के लिए हम एक एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम होगा लाइसोजाइम। तो इन सारी चीज़ों से, ये सारे के सारे जो सोर्स हैं जिनसे हम जेनेटिक मटेरियल निकाल रहे हैं, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, निकालने के बाद हमने क्या किया, अब उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकाल लिया हमने, और निकालने के बाद अब उसकी हम कटिंग करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से, और हम अपना डिजायर्ड जो डीएनए है या जो फॉरेन जो डीएनए है या जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम बाहर निकाल लेंगे। निकालने के बाद उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम उसकी कॉपीज कराना चाहते हैं, मल्टीपल कॉपीज, मिलियंस ऑफ द कॉपीज, ताकि उसको हम मिलियंस ऑफ द वेक्टर में डाल सकें और मिलियंस ऑफ द वेक्टर को मिलियंस ऑफ द होस्ट के अंदर में हम डाल सकें। तो उसके लिए हमें एक प्रोसेस के जरिए गुजरना पड़ेगा और एक प्रोसेस कराना पड़ेगा, उस प्रोसेस का नाम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और देखिए यहाँ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होता है, तो हम बात करने जा रहे हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में, जिसको आप PCR के नाम से भी जानते हैं, PCR। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की हिस्ट्री क्या है, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ दिस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो एक्चुअली पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की जो स्टार्टिंग है, शुरुआत है, इसको इस टेक्निक को डेवलप किया था कैरी मिल्स ने इस टेक्निक को डेवलप किया, और कैरी मिल्स ने इस टेक्निक को 1983 में डेवलप किया। लेकिन कैरी मिल्स को इसी चीज के लिए नोबेल प्राइज 10 साल के बाद मिला। नोबेल प्राइज कैरी मिल्स को मिला 1993 में, 1993 के अंदर में, और केमिस्ट्री के लिए उसको नोबेल प्राइज मिला, क्योंकि केमिस्ट्री फील्ड के अंदर में नोबेल प्राइज मिला, क्योंकि ये टेक्निक जो है डेवलप जो उसने किया था PCR के लिए। तब सवाल है कि PCR या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होता है, व्हाट इज द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो देखो, जैसा कि इसका नाम है ये पॉलीमरेज चेन और रिएक्शन, तो एक ऐसा चेन रिएक्शन जो लगातार चल रहा हो, ऑटोमेटिकली स्टार्ट, एक बार स्टार्ट हुआ और लगातार चल रहा है, और ऑब्वियस सी बात है एक एंजाइम की मदद से चलेगा, जिस एंजाइम का नाम होगा पॉलीमरेज एंजाइम।
तो पॉलीमरेज एंजाइम की मदद से लगातार कॉन्टिन्यूसली चलने वाला जो रिएक्शन है उस रिएक्शन को हम कहेंगे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और दैट वाज डेवलप्ड बाय कैरेमिलिस जिसके बारे में हमने अभी आपको बताया। अब एक सवाल है कि ये होता कहाँ है, कहाँ पे कराते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर कहाँ पे कराएंगे? तो पीसीआर लैब के अंदर में पीसीआर मशीन्स होती हैं जिसके लिए जिसके अंदर पीसीआर को कराया जाता है। तो लैब के अंदर में जो पीसीआर मशीन्स होती हैं, एक्चुअली ये पीसीआर मशीन भी दो तरह के हैं, एक पुराने वाली पीसीआर मशीन जिसके अंदर में तीन अलग अलग डब्बे बने होते हैं, क्योंकि इस पीसीआर के अंदर में तीन स्टेप्स हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के अंदर में तीन स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है डीनेचुरेशन, दूसरा जो स्टेप है वो है एनीलिंग, और तीसरा जो इसका स्टेप है उसका नाम है एक्सटेंशन। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या जो पीसीआर है वो तीन स्टेप्स में होगा। सबसे पहला जो स्टेप होगा डीनेचुरेशन, दूसरा जो स्टेप होगा एनीलिंग, तीसरा जो स्टेप होगा उसका नाम होगा एक्सटेंशन। एक्चुअली तीनों स्टेप को कराने के लिए जो ओल्ड पीसीआर जो मशीन हुआ करती थी उसमें तीन तरह के बॉक्सेस होते थे। एक बॉक्स है जिसमें क्या करा रहे हैं, डीनेचुरेशन करा रहे हैं, दूसरा जो बॉक्स है जिसमें एनीलिंग करा रहे हैं, तीसरा जो है उसके अंदर में एक्सटेंशन करा रहे हैं। इस तरह के पुरानी मशीनों के अंदर में इस तरह से हुआ करता था, लेकिन नई जो पीसीआर जो मशीनें आई हैं उनमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है, उनमें एक ही मशीन है प्रॉपर, और उस मशीन के अंदर में आप प्रॉपर जो है ना आप अपना जेनेटिक मटेरियल लेके जाइए, डालिए उसके अंदर में, और पूरी मशीन जो है ना 5-7 मिनट के अंदर में या 15 मिनट मैक्सिमम कह सकते हैं, 5-7 मिनट के अंदर में मल्टीपल ऑफ द कॉपीज बना के भेज देता है, निकाल देता है। तो ये कैसे होगा, किस तरह से ये प्रोसेस चलेगा, और किस तरह के ट्यूब के अंदर में हम उस मशीन के अंदर में हम डालेंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एक बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का, व्हाट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और सबसे पहले देखो बायोलॉजी के अंदर में सबसे पहले टर्म हमने जान लिया कि आखिर इस टर्म का मतलब क्या है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का, जिसको हमने कहा पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एक ऐसा चेन रिएक्शन जो कि होता हो कैसे, तो वो एक्चुअली एंजाइम पॉलीमरेज नाम का जो एंजाइम उसकी मदद से होता हो। देखो बच्चा हम जहाँ तक हम टॉपिक स्टार्ट करने की बात है तो ये टॉपिक एक्चुअली इक्विवेलेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्री मेडिकल अगर एतबार से हम देखें, नीट और एम्स के एतबार से अगर हम देखें तो उनमें भी बच्चों को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इस टॉपिक से सवाल, और बोर्ड के लिए तो ऑब्वियस ही बात है इससे बिल्कुल श्योर श्योर है कि क्वेश्चन आना ही है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से, नहीं आने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। तो इसलिए हर साल बोर्ड के अंदर में प्री बोर्ड में एक्चुअली 12th में 4 तरह के पेपर होते हैं, एक हाफ यूनिट टेस्ट होता है, हाफ ईयरली होता है, प्री बोर्ड और बोर्ड होता है। इन 4 में से जो है आप फिर से बात है प्री बोर्ड और बोर्ड के अंदर में जरूर पीसीआर से या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से क्वेश्चन आ ही जाता है। अब हमने जैसा ही कहा कब हम इसको स्टार्ट करेंगे, हम करेंगे हम बताएंगे आपको कि कैसे पीसीआर को किया जाता है, कैसे पीसीआर को कराया जाता है, कैसे करेंगे हम। तो चलिए हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को कराने के लिए जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को कराने के लिए वो है कि पॉलीमरेज जब चेन रिएक्शन जब कराएंगे तो उसमें क्या होगा। तो सबसे पहला जो स्टेप है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को कराने के लिए वो है डीनेचुरेशन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपने डीएनए को लेते हैं जो हमारा डिजायर जिस डीएनए का हमें पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कराना है और पीसीआर कराना है, सबसे पहले हम उसको लेते हैं। लेने के बाद हम पहले क्या करते हैं, पहले उसको गर्म करते हैं, पहले लिया और लेने के बाद उसको हीट करते हैं 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। तो 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हम उस डीएनए को पहले हीट करेंगे, हीट करने के बाद वो डीएनए डीनेचर्ड हो जाता है, टूट जाता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डीनेचुरेशन। तो सबसे पहला जो स्टेप है उसका नाम है डीनेचुरेशन, जो कि आपको देखने को मिलेगा पीसीआर के केस में। डीनेचुरेशन में क्या होगा, पूरा का पूरा आपका डीएनए होगा जो डिजायर्ड डीएनए है जिसका आप पीसीआर कराना चाहते हैं, तो सबसे पहले वो डीएनए टूटेगा, और यहाँ टूटने के लिए उसको टेम्परेचर चाहिए होगा, गर्म करेंगे आप, और कितना गर्म करेंगे 94 to 95 डिग्री सेल्सियस पे आप उसको गर्म करेंगे। और एक बात मैं और बताना चलूँ कि अभी हमने कहा कि पीसीआर कराने के लिए मशीनें होती हैं, उन मशीनों के अंदर में पीसीआर को कराया जाता है, और पीसीआर कराने के लिए कोई बहुत बड़े बड़े ट्यूब की ज़रूरत नहीं होती है, उसके लिए बहुत छोटी छोटी ट्यूब्स आती हैं, स्मॉल ट्यूब्स, और उन स्मॉल ट्यूब्स को हम कहते हैं इपेंडॉर्फ ट्यूब्स। ये इपेंडॉर्फ जो ट्यूब्स होते हैं उसी के अंदर में पीसीआर को कराया जाता है, और कैसे कराएंगे तो वो देखिए। तो सबसे पहले जैसा कि हमने कहा कि यह हमारा हीट है, हमने सबसे पहले डीएनए को गर्म किया, ये हमारा जो डीएनए है जिसमें हम पीसीआर कराना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपने इसको गर्म किया। जैसे डीएनए को आप गर्म करेंगे तो हमारा डीएनए क्या हो गया, डीएनए चढ़ गया, ये डीएनए हमारा टूट गया, और डीएनए जो है
दो अलग अलग फ्रेगमेंट, ये जो डीएनए जो डबल स्टैंडर्ड था, ये दोनों उसके स्ट्रैंड्स अलग हो गए क्योंकि इनके बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा, ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया। ये हमारा 5 प्राइम है, ये 3 है, ये 5 है, ये 3 है, ये हमारे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो गए। ये पहला 5 टू 3 वाला स्ट्रैंड हो गया, दूसरा ये वाला स्ट्रैंड हो गया 3 टू 5 वाला। अब डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो गए, तो दोनों स्ट्रैंड्स अलग होने के बाद अब हम इसको हम क्या करेंगे, जब हमारे डीएनए का डीएनए दोनों स्ट्रैंड अलग हो गया, डीनेचर्ड हो गया डीएनए, अब हम थोड़ा डीएनए को ठंडा करेंगे। ठंडा करने की वजह क्या है, तो ठंडा करने की वजह है हमें एक्चुअली इस दोनों सेपरेटेड स्ट्रैंड्स के ऊपर में वी हैव टू फिक्स प्राइमर्स, और जो प्राइमर यहाँ लेके हम आते हैं उसका नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स, दीज आर डीएनए प्राइमर्स दैट वी ऐड हियर। और इन प्राइमर्स को ऐड करने की ऑब्वियस बात है हमें बॉन्ड बनाना पड़ेगा प्राइमर्स के बीच में और इस स्ट्रैंड ऑफ डीएनए के बीच में, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा इस पूरे सिस्टम को ठंडा करना पड़ेगा, वी हैव टू कूल इट। और गर्म करेंगे कितने डिग्री टेम्परेचर पे, तो गर्म करेंगे 94 पहले था, अब उसको हम गर्म करके मतलब सॉरी उसको हम ठंडा करके अब पूरे सिस्टम को हम क्या करेंगे ठंडा करेंगे। पहले टेम्परेचर था 94 टू 95 डिग्री सेल्सियस, अब पूरे सिस्टम को हम ठंडा कर रहे हैं। ठंडा कितने टेम्परेचर तक लेके जाएंगे इसको, हम लगभग 50 से लेकर 55 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हम लेके जाएंगे, लगभग हम इसको ठंडा करेंगे, कूल करेंगे। डीनेचर्ड हो जाने के बाद इसकी कूलिंग होगी, कूलिंग होगी, और कूलिंग करने के बाद टेम्परेचर हम लेके जाएंगे एट 52-55 डिग्री सेल्सियस, इतना हम टेम्परेचर लेके जाएंगे। अब जब टेम्परेचर इतना आ गया, आने के बाद हम क्या करेंगे, अब इसके ऊपर में हम प्राइमर्स को ऐड करेंगे जिसको हम कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड प्राइमर, मतलब ये डीएनए प्राइमर। लेकिन सवाल मन में आया कि आखिर हम प्राइमर क्यों जोड़ेंगे, तो सवाल मन में अगर आता है कि हम प्राइमर क्यों जोड़ेंगे, तो उसका जवाब ये है कि प्राइमर जोड़ने के कारण मेनली ये है कि हमारा जो डीएनए जो स्ट्रैंड अलग हुआ है ये दोबारा से रिकॉइल ना कर जाए, दोबारा से डबल स्टैंडर्ड के फॉर्म में कन्वर्ट ना हो जाए। पहली पॉसिबिलिटी ये है जिसको हमें ख़त्म करना है, तो जो हमारा डीएनए है वो दोबारा से डबल स्टैंडर्ड ना हो जाए, इस पॉसिबिलिटी को ख़त्म करने के लिए हम प्राइमर ऐड करेंगे, पहला कारण तो ये। दूसरा कारण ये है कि एक्चुअली इसके ऊपर में हमें एक नया डीएनए सिंथेसाइज करना है, और नया डीएनए सिंथेसाइज करने के लिए हमें कहीं ना कहीं उसको बेस देना होता है, ताकि उस बेस के ऊपर में नया डीएनए हमारा सिंथेसाइज कर सके या फिर बन सके। तो हम क्या करेंगे, वहीं प्राइमर को हम ऐड करेंगे, और प्राइमर को ऐड करने की प्रक्रिया या प्रोसेस को हम कहते हैं एनीलिंग। और एनीलिंग के दौरान क्या करेंगे, इसके ऊपर हम प्राइमर डालेंगे, और ये प्राइमर कुछ इस तरह से डालेंगे, और प्राइमर जो हम डालेंगे तो ऐसे डालेंगे, यहाँ ये हमारा 5 है, ये 3 है, ये फिर ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, और इसके ऊपर प्राइमर हम डालेंगे तो कैसे डालेंगे, देखिए ये हमारा डीएनए प्राइमर है। और हमेशा प्राइमर जब डालेंगे तो देखिए एक बात हमने आपको पढ़ा रखा है, या आप जब जाएंगे जेनेटिक्स में मॉलिकुलर बेसिस इनहेरिटेंस, जब मैं आपको वीडियोज आप उसमें देखेंगे, तो आप एक चीज़ महसूस करेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है हमेशा 5-3 डायरेक्शन में होता है। डीएनए रेप्लिकेशन जो है हमेशा एक प्रॉपर डायरेक्शन में होता है, उस डायरेक्शन का नाम है 5' टू 3'। तो 5-3 डायरेक्शन में ही डीएनए रेप्लिकेशन होगा, और यहाँ पे प्राइम जो हम प्राइमर जो हम जोड़ेंगे इस तरह से जोड़ेंगे ताकि वहाँ पे 5-3 वाला हमें वो पूरा डायरेक्शन मिले और उसके ऊपर में नया डीएनए सिंथेसाइज हो। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा एनीलिंग का जो प्रोसेस है, इसमें अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम यहाँ पे डीएनए डालने जा रहे हैं, एनीलिंग में प्राइमर्स डालने जा रहे हैं। तो प्राइमर हम डालेंगे, तो सबसे पहले आप एक प्राइमर यहाँ लगाएंगे, और दूसरा प्राइमर यहाँ लगाएंगे, तो एक प्राइमर हम यहाँ डालेंगे। प्राइमर का मतलब क्या है, प्राइमर का मतलब है दीज आर द स्मॉल फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए। ये क्या है, दीज आर द स्मॉल फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए, ये डीएनए के बहुत छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स हैं जिनको हमने यहाँ जोड़ा है। जोड़ने के दो कारण अभी हमने आपको बताया, पहला क्या कारण है, तो पहला कारण है ताकि हमारा ये डीएनए रिकॉइल ना कर जाए, दूसरा कारण ये है कि इसके ऊपर में हमें पूरा का पूरा डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज करना है, तो ये एक बेस की तरह काम करेगा जिसको हमें पूरा का पूरा डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा और एंजाइम की मदद से होगा। तो अभी आगे आएगा, देखिए हमने डाल दिया, डालने के बाद हम इसको क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे,
जब आप इस पर एक्सटेंशन करेंगे तो एक्सटेंशन करने के लिए हम तीसरा स्टेप उठाएंगे जिसका नाम होगा एक्सटेंशन। तीसरा जो प्रोसेस है जिसका पहला प्रोसेस डीनेचुरेशन, दूसरा है एलिंग, तीसरा होगा एक्सटेंशन। एक्सटेंशन कैसे होगा, तो एक्सटेंशन करने के लिए हमें एंजाइम का सहारा लेना पड़ेगा। इस एंजाइम का नाम है, उस एंजाइम का नाम है पॉलीमरेज एंजाइम। ये पॉलीमरेज एंजाइम जो होंगे यहाँ जो इस्तेमाल किया जाएगा, तो आप ये सोच रहे होंगे यहाँ हम नॉर्मल डीएनए जिस तरह से बनाते हैं डीएनए रेप्लिकेशन कराने के लिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ भी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे एक्सटेंशन में, तो ऐसा आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है वो 45 to 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर क्या हो जाता है, डीनेचर्ड हो जाता है। मतलब जितने सारे एंजाइम्स हैं एक्चुअली जो हीट रेजिस्टेंट नहीं है वो 42 से 42 से लेके 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर क्या हो जाता है, डीनेचर्ड हो जाते हैं, दे गेट डीनेचर्ड। और ऑब्वियस सी बात है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें एक ऐसे एंजाइम की जरूरत है जो डीनेचर्ड ना हो इतने ज्यादा टेम्परेचर पर भी, क्योंकि हम अभी हमारा टेम्परेचर कितना है 50 to 55 डिग्री सेल्सियस है, और बल्कि हम टेम्परेचर को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे और टेम्परेचर को बढ़ा के हम ले जाएंगे 70 डिग्री सेल्सियस तक, तो 70 डिग्री सेल्सियस पे कोई ऐसा एंजाइम हमें होना चाहिए हमारे पास जो काम करे और ये प्रोसेस को करा सके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम हीट रेजिस्टेंट एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे, और वो इसी उस हीट रेजिस्टेंट एंजाइम को यहाँ हम यूज करेंगे एक्सटेंशन को कराने के लिए। तो नॉर्मली जो हीट रेजिस्टेंट एंजाइम इस्तेमाल किया जाता है पीसीआर के लिए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए, तो उसमें नॉर्मली जो इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है, जो कि बोर्ड में भी आता है ये सवाल, तो उसका नाम है टैग डीएनए पॉलीमरेज। एक्सटेंशन के लिए जो एंजाइम इस्तेमाल किया जाएगा, एंजाइम का नाम होगा टैग डीएनए पॉलीमरेज। ये टैग डीएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम हम इस्तेमाल करेंगे और एक्सटेंशन को हम कराना शुरू करेंगे। और ऑब्वियस बात, यहाँ जो टेम्परेचर लेंगे यहाँ टेम्परेचर लगभग 70 डिग्री सेल्सियस तक होगा, और गर्म थोड़ा हमने कर दिया इस पूरे सिस्टम को, और हमने एंजाइम इस्तेमाल कर दिया टैग डीएनए पॉलीमरेज। इस एंजाइम की मदद से क्या होगा, ये पूरा डीएनए जो है एक्सटेंड हो जाएगा। इस एंजाइम की मदद से क्या होगा, ये पूरा का पूरा सिस्टम एक्सटेंड होने जा रहा है, और एक्सटेंड होने के बाद जो है ये पूरा का पूरा जो सिस्टम जब एक्सटेंड होगा तो कैसे होगा, तो हमने एंजाइम इस्तेमाल किया, पूरा एक्सटेंशन चलेगा इसका। कैसे एक्सटेंशन होगा वो देखिए, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, अब 5 to 3 5 to 3। अब इसके ऊपर हमने प्राइमर डालना है जो ऑलरेडी हमने पहले इस्तेमाल किया था, गेट बंद कर दीजिए, आवाज बता दीजिए। तो अब जो है हम यहाँ पे प्राइमर हमने इस्तेमाल किया था जो पहले एनिलिंग में, अब इसी के ऊपर मैं एक्सटेंशन करेंगे हम डीएनए का, और डीएनए को एक्सटेंड जब करेंगे तो इस तरह से हमारा पूरा का पूरा डीएनए इस तरह से एक्सटेंड हो जाएगा। और इसके ऊपर भी डीएनए पूरी तरह से हमारा एक्सटेंड कर जाएगा, वो पूरी तरह से पीसीआर वहां हो जाए, कोई ऐसा डीएनए हमारा फ्रैगमेंट ना बचे जहां पीसीआर ना हुआ। पूरी तरह से पीसीआर कराने के लिए, कंप्लीट रिएक्शन को अच्छे तरीके से परफॉर्म कराने के लिए थोड़ा टाइम दे देते हैं। तो अब वैसे कहा जाए तो लगभग 5 मिनट के बाद लगभग या 7 मिनट के बाद लगभग मतलब कंप्लीट हो जाता है पूरी तरह से पीसीआर। तो ऑब्वियस ही बात है, फिर इसके बाद ये साइकिल हमने पूरा कराया, एक साइकिल ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे, जब एक साइकिल यहाँ कंप्लीट हो गया फिर दोबारा से ये दोनों जो डीएनए बने हैं फिर दोबारा से एक्सटेंशन में जाएंगे, फिर दोबारा से इनका एनिलिंग होगा, फिर दोबारा से डीनेचुरेशन में जाएंगे, डीनेचुरेशन के बाद दोबारा से एनिलिंग होगा, एनिलिंग होने के बाद दोबारा से एक्सटेंशन होगा। तो इस तरह से हमारा पूरा पीसीआर साइकिल ये चलता रहेगा, और जब ये साइकिल को आप 30 बार ये जब साइकिल चलेगा, 30 साइकिल जब चलेंगे, तो 30 बार जब ये साइकिल पूरी तरह से चलेगा पीसीआर का,
डीनेचुरेशन एक्सटेंशन एलिनिंग, जब 30 बार ये पूरा साइकिल जब चलेगा तो लगभग 3 बिलियन कॉपीज जो है बनकर तैयार होंगे। और ऑब्वियसली बात है इतने सारे जो है ना हमारे डीएनए के कॉपीज बनकर तैयार होंगे, और इतने सारे जब कॉपीज बनकर तैयार होंगे तो फिर इस चीज़ का क्या करेंगे हम, ये इस चीज़ का फिर आगे उसका इस्तेमाल करेंगे क्लोनिंग वेक्टर में, फिर उसको हम होस्ट के अंदर में इंसर्ट करेंगे। तो पूरा आपका जो पीसीआर या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का जो प्रोसेस है वो ऐसे कराते हैं। इसमें एक बात और आपके लिए जानने के लिए ये है कि हम टैग डीएनए पॉलीमरेज जो होता है ये हीट रेजिस्टेंट एंजाइम होता है। तो सिर्फ अकेला ये हीट रेजिस्टेंट एंजाइम नहीं है, और भी इसके अलावा हीट रेजिस्टेंट एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि एक एंजाइम है इसका नाम है पीफ्लू पॉलीमरेज, उसका नाम है पीफ्लू पॉलीमरेज। एक और इसके अलावा एंजाइम है जो हीट रेजिस्टेंट है इसके अलावा, जिसका नाम है वेंट पॉलीमरेज। तो मैं आगे आपको बताता चलूंगी टैग डीएनए पॉलीमरेज के बारे में कि अगर हम टैग डीएनए पॉलीमरेज की बात करें तो टैग डीएनए पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम है जो एक बैक्टीरिया से निकाला जाता है, उस बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्वेटिकस। तो थर्मस एक्वेटिकस नाम का एक बैक्टीरिया है जिसके अंदर में ये एंजाइम पाया जाता है टैग डीएनए पॉलीमरेज, और ये जो बैक्टीरिया है वो बहुत ज़्यादा गर्म पानी के गए झरने में पाया जाता है, या यूँ कह लीजिए हॉट वाटर स्प्रिंग्स में पाया जाता है ये टैग डीएनए ये थर्मस एक्वेटिकस नाम का बैक्टीरिया, इसलिए इसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस का मतलब गर्म, एक्वेटिकस का मतलब पानी, एक गर्म पानी के झरने में पाया जाने वाला बैक्टीरिया, और उसी बैक्टीरिया के अंदर में ये टैग डीएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम होता है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि आप नॉर्मल एंजाइम का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इतने टेम्परेचर पर तो नॉर्मल एंजाइम हमारा डीनेचर हो जाएगा, इसीलिए हमने इस तरह का हीट रेजिस्टेंट एंजाइम इस्तेमाल किया। और हमने अभी जैसे कि बताया कि ये निकाला जाएगा कहाँ से, थर्मस एक्वेटिकस नाम के एक बैक्टीरिया से, और फिर उसी का इस्तेमाल किया जाएगा पीसीआर के अंदर में या पॉलीमरेज रिएक्शन के अंदर में। तो फिलहाल इसको जल्दी से एक बार देख लीजिए, इसमें कोई ऐसा चीज़ है जो आपको लिखना है तो जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम मैं आगे की बात करूँगा। चलिए अब इसमें एक और चीज़ जान लीजिए कि इतना हमने जान लिया, अब इसमें मैं आपको जरा ये दोनों एंजाइम्स के बारे में बताता चलूं। उन दोनों के एंजाइम के बारे में कुछ बातें ये हैं सबसे पहले पीफ्लू अगर पॉलीमरेज नाम की एंजाइम की बात करें तो ये निकाला जाता है बैक्टीरिया से जिसका नाम है पायरोकोकस। ये पायरोकोकस नाम का एक बैक्टीरिया है जिससे ये निकाला जाएगा। तो ये पायरोकोकस जो बैक्टीरिया है इससे निकाला जाएगा। इसी तरह से वेंट पॉलीमरेज जो है ये भी एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है थर्मोकोकस नाम का एक बैक्टीरिया है। थर्मोकोकस एक्चुअली बैक्टीरिया का आपने आर की बैक्टीरिया बढ़ा भी होगा थर्मोकोकस के बारे में, तो उससे निकाला जाएगा आपका वेंट पॉलीमरेज, और इसको निकाला जाएगा पायरोकोकस नाम का एक बैक्टीरिया है उससे आप निकालेंगे किससे, तो पायरोकोकस से पी फ्लू पॉलीमरेज नाम का एंजाइम निकालेंगे। इस तरह से आपका पूरा का पूरा पीसीआर या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन चलेगा, और पूरा पीसीआर इस तरह से कराते हैं। इसमें कोई अगर आपको डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो इस पूरे टॉपिक में तो आप ऑब्वियसली बात है कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर करिए, और फिर उसके बाद जो है जो भी इसमें कोई प्रॉब्लम होगी उसको मैं सॉर्ट आउट कर दूँगा। साथ ही साथ आप मेरे साथ जो है फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर मेरे चैनल का प्रॉपर ग्रुप है और उसका नाम है डॉक्टर राही बायोलॉजी क्लासेस के नाम से, और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं डॉक्टर राही बायोलॉजी क्लासेस के पेज पे आके। थैंक यू वेरी मच।